डॉक्टर मोहन यादव, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं डॉक्टर मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं। स्वागत आप सभी का। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में शानदार जीत दर्ज की। वैसे चुनाव से पहले कहां तो मुकाबला 50-50 का बताया जा रहा था और कहां बीजेपी के पक्ष में नतीजे आते ही सभी चौंक गए। लेकिन चौंकने का सिलसिला यहीं खत्म नहीं होने वाला था। बात मुख्यमंत्री की आई तो विधायकों के फोटो सेशन में तीसरी पंक्ति में बैठा एक शख्स बन गया व्यक्ति विशेष। मैं डॉक्टर मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। निकल अपने पराए के भेद से, बिना राग बिन द्वेष के कर्तव्य पथ पर बढ़ा चले। चाहे हार हो या जीत हो, जो कभी न भयभीत हो वो नए कीर्तिमान गढ़ा चले। संकट चाहे अपार हो, मुश्किलों से पार हो, जो नई सीढ़ियां चढ़ा चले। आगे आगे बस बढ़ा चले, वही कहलाता है व्यक्ति विशेष। मैं मध्य प्रदेश के राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा। डॉक्टर मोहन यादव, मध्य प्रदेश के सियासी क्षितिज पर उभरा वो नाम जो राज्य की 8.5 करोड़ जनता का मुखिया बन चुका है। उस सियासी दल का अगुवा जिसका परचम एक बार फिर से मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में सबसे ऊपर उठकर शान से लहराया। 11 दिसंबर 2023 ये सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के सियासी इतिहास के नए अध्याय का प्रारंभ होने का दिवस था। क्योंकि एक तरफ मध्य प्रदेश के मुखिया के रूप में शिवराज सिंह चौहान की शानदार धुआंधार पारी की समाप्ति हुई, तो दूसरी तरफ देश के हृदय प्रदेश में खिले कमल के फूल के झंडे और विजय अभियान को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी सभी को चौंकाते हुए मोहन यादव को सर्वसम्मति से सौंप दी गई। केवल ये भाजपा ही है जो सामान्य से छोटे से कार्यकर्ता को भी इतनी बड़ी जवाबदारी देती है, यही हमारा अपना भाजपा का चरित्र है। डॉक्टर मोहन यादव, मध्य प्रदेश की नई विकास गाथा लिखने की कलम अब इन्हीं हाथों को सौंप दी गई है। वैसे तो हर किसी को ये नाम चौंकाता जरूर है, लेकिन ये नाम क्यों आया, कैसे आया, कितना संघर्ष इसके पीछे छिपा है, आइए पहले ये जानते हैं। मध्य प्रदेश का उज्जैन जिला बाबा महाकाल की नगरी, जहां 25 मार्च 1965 को पूनम चंद यादव और लीलाबाई यादव के घर पुत्र का जन्म हुआ। उज्जैन की गीता कॉलोनी में जन्मे मोहन यादव का शुरुआती जीवन संघर्षों में बीता। उज्जैन के मालीपुरा में उनके पिता और चाचा की भजिए की दुकान पर उन्होंने काम किया, साथ साथ अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। इसी दौरान मोहन यादव का संघ की शाखाओं में आना जाना शुरू हो गया। मोहन यादव बचपन में तैराकी और अखाड़ा जाने का शौक भी रखते थे और अब भी वे खास मौकों पर अखाड़े समेत तलवार और लठ घुमाते भी नजर आते हैं। मोहन यादव बचपन में अभाव जरूर देखा, लेकिन वे शुरू से ही पढ़ाई में काफी तेज थे। पीएचडी कर डॉक्टर की डिग्री हासिल करने वाले मोहन यादव ने 5वीं तक
घर के पास शारदा प्राथमिक विद्यालय और फिर आठवीं तक कैलाश भवन माध्यमिक विद्यालय बुधवारिया में पढ़ाई की। इसके बाद नौवीं से ग्यारहवीं तक जीवाजीगंज हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ने के बाद बीएससी करने के लिए 1982 में वे माधव साइंस महाविद्यालय पहुंच गए। डॉक्टर मोहन यादव जी बहुआयामी प्रतिभा के धनी बाल्यकाल से ही रहे हैं और उनके मन मस्तिष्क में राष्ट्रवाद भी बाल्यकाल से ही है। इसी कारण हम सब लोग विद्यार्थी परिषद और संघ से जुड़े रहे और जिस प्रकार से सनातन के लिए धर्म रक्षति रक्षिता धर्म का भाव आज भी उनके मन में है और वो लगातार अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। उस समय का दौर विद्यार्थी परिषद नाम मात्र से चलता था, ज्यादातर विद्यार्थी परिषद को जानते नहीं थे। उस टाइम पे उनने ऐसा मतलब रोल करा, विद्यार्थी परिषद को आगे लेके चले और सीआर बने, सीआर के बाद अध्यक्ष जॉइंट सेक्रेटरी बने, फिर अध्यक्ष बने। आज जो जिस स्कूल में खड़े हैं उसी स्कूल में आप जो हैं पढ़ाते भी हैं, साथ ही मोहन यादव जब मुख्यमंत्री बन गए तो कितनी उम्मीदें हैं आपको? बहुत उम्मीदें हैं मोहन यादव जी से, उज्जैन का गौरव है और महाकाल तो उनके आशीर्वाद है, इसे महाकाल कहते हैं। बस यही वो वक्त था जब उनके जीवन ने करवट ली और उनका राजनीति में पदार्पण हो गया। कॉलेज में प्रथम वर्ष में ही उन्होंने एबीवीपी से चुनाव लड़ा और सह सचिव बने। दूसरे साल उन्होंने कॉलेज में कांग्रेस के संगठन की यूनियन और पैनल का प्रभुत्व होने के बावजूद इतना प्रभुत्व जमाया कि वे अध्यक्ष चुन लिए गए। इसके बाद तो उनकी राजनीति को पंख ही लग गए। मोहन यादव का राजनीतिक सफर, माधव साइंस कॉलेज से राजनीति की शुरुआत, एबीवीपी से चुनाव लड़कर सह सचिव बने, अगले साल ही मोहन यादव बने अध्यक्ष, साल 1984 में एबीवीपी के नगर मंत्री बने, 1986 में विभाग प्रमुख बनाए गए, 1988 में एबीवीपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सदस्य बने, 2004 में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति में स्थान मिला, 2004 से 2010 तक उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष रहे, 2011 से 2013 तक राज्य पर्यटन विकास निगम अध्यक्ष नियुक्त किए गए, 2013 में उज्जैन दक्षिण सीट से विधायक चुने गए, साल 2018 में इसी सीट से फिर से जीत मिली, 2020 में मध्य प्रदेश सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री बने, 2023 में उज्जैन दक्षिण सीट से फिर से चुनाव जीत गए। लेकिन एक दिलचस्प किस्सा साल 2008 का भी है, जब बीजेपी ने उन्हें साल 2008 में उज्जैन की बड़नगर विधानसभा सीट से टिकट दिया, लेकिन विरोध के सुर उठने पर उन्होंने ये टिकट लौटा दिया। उनका यही बढ़प्पन उन्हें आज इस मुकाम तक पहुंचाने में मील का पत्थर बन गया और वे सीएम की कुर्सी तक पहुंच गए। तो 58 साल की उम्र के डॉक्टर मोहन यादव का पॉलिटिकल करियर 41 साल से भी ज्यादा का है, लेकिन फिर भी जब मीटिंग में उनके नाम को प्रस्तावित किया गया तब उन्हें भी यकीन नहीं था कि वे विधायक दल के नेता चुन लिए गए। हालांकि बाद में उन्होंने भी यही कहा, यही तो है बीजेपी, कार्यकर्ताओं की पार्टी। दिसंबर 2023, भोपाल का बीजेपी दफ्तर शाम के 4 बजे कार्यकर्ताओं से भरा पड़ा था। बाहर कार्यकर्ता मुखिया कौन होगा इस फैसले का इंतजार कर रहे थे, तो वहीं भीतर पार्टी के दिग्गज नेता मंथन में जुटे थे। बेसब्री नाम को लेकर हर किसी के चेहरे पर नजर आ रही थी और ठीक 45 मिनट के बाद भीतर से आई खबर सुनकर हर कोई चकित हो गया। विधायक दल का नेता डॉक्टर मोहन यादव को चुन लिया गया और कार्यकर्ता कहने लगे, यही तो है बीजेपी,
कार्यकर्ताओं की पार्टी। संघ की पृष्ठभूमि कर्मठ मृदुभाषी जनता के बीच पैठ, ये वो खूबियां हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री का ताज डॉक्टर मोहन यादव के सिर पर सजाया है। जैसे ही विधायक दल की बैठक में डॉक्टर मोहन यादव के नाम पर मुहर लगी, हर कोई चौंका जरूर, लेकिन इस मुहर ने एक बात फिर से साफ कर दी और वो ये कि बीजेपी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। यहाँ कोई डायनेस्टी नहीं चलती, कोई भाई भतीजावाद नहीं चलता, मायने रखती है तो कार्यकर्ता की लगन और उसका काम, जिसका इनाम पार्टी कब कैसे दे दे खुद कार्यकर्ता को नहीं पता चलता। मध्य प्रदेश के नए मुखिया बीजेपी विधायक दल के नेता डॉक्टर मोहन यादव खुद भी तब हैरान रह गए जब उनका नाम बैठक में अचानक से मुख्यमंत्री पद के लिए सामने रखा गया। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि नाम उनका पुकारा गया है। सभी के साथ हमने मिलकर के विधायक दल की बैठक में बैठे थे और आकस्मिक में तो सहजता से अपना पीछे की पंक्ति में बैठ करके अपना काम कर रहा था। अचानक वहाँ जो घोषणा की है, मैं निश्चित रूप से सबका आभार भी मानता हूँ और ये भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ पूरे प्रदेश की जनता, 8 करोड़ से ऊपर जनता है, उन सबके विश्वास पे भारतीय जनता पार्टी ने। दिलचस्प ये भी कि लंबे वक्त तक मध्य प्रदेश की कमान संभालने वाले शिवराज सिंह चौहान ने ही बैठक में डॉक्टर मोहन यादव के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसका सभी विधायकों ने सर्वसम्मति से समर्थन कर डाला। भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान ने मोहन यादव जी का नाम प्रस्तावित किया। आदरणीय मध्य प्रदेश के हमारे सभी वरिष्ठ नेतृत्व ने उनके प्रस्ताव का समर्थन किया है। मैं प्रदेश के नए मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो तेजी से काम चल रहे हैं उनको पूरा करेगी। इधर जैसे ही बीजेपी के इस बड़े फैसले की खबर महाकाल की नगरी उज्जैन उनके गीता कॉलोनी स्थित घर पहुंची, हर तरफ जश्न। भगवान महाकाल की कृपा बनी रहेगी पूरे प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, उज्जैन में और पूरे इंडिया में। शपथ लेते ही डॉक्टर मोहन यादव एक्टिव भी हो गए। सबसे पहले उज्जैन पहुंचकर बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया, पूजन अर्चन किया और फिर सीधे उज्जैन से भोपाल मंत्रालय पहुंच गए, जहां उन्होंने अपनी जिम्मेदारी संभाली। मैं मध्य प्रदेश के राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। क्योंकि कहते हैं कि राजगद्दी सिर्फ शक्तियां ही साथ लेकर नहीं आती, उनके साथ आती हैं जिम्मेदारियां और चुनौतियां भी। कुछ ऐसी ही चुनौतियां मध्य प्रदेश के नए नवेले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सामने भी मुंह बाए खड़ी हैं और यहीं से शुरू हो जाती है उनकी अग्नि परीक्षा भी। मैं डॉक्टर मोहन यादव। कहा जाता है कि बीजेपी एक चुनाव जीतने के साथ ही दूसरे चुनाव की तैयारियों में भी तभी से जुट जाती है। 2023 के चुनाव को फतह करने के पहले ही 2024 के लिए बीजेपी ने जमावट कर ली है, लेकिन साथ साथ मध्य प्रदेश में अगले 5 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव 2028 के लिए भी बीजेपी की जमावट हो चुकी है। 3 बार के विधायक डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन के निवासी है। उनका परिवार एक संयुक्त परिवार है, जिनमें उनकी पत्नी
दो बेटे एक डॉक्टर बिटिया के साथ ही उनके पिता बड़े भाई बहन के अलावा चाचा और चचेरे भाई साथ रहते हैं। यानी डॉक्टर मोहन यादव बखूबी समझते हैं संयुक्त परिवार की ताकत को। प्रदेश के साथ साथ संगठन को भी वे एक संयुक्त परिवार की तरह साथ लेकर चलें, ये उनके लिए काफी अहम होगा। मोहन यादव को कमान उस वक्त सौंपी गई है जब सीएम पद की रेस में कई सारे दावेदार थे। ये सारे दावेदार दिग्गज चेहरे थे, जिनमें सबसे पहला नाम शिवराज सिंह चौहान का था, तो दूसरी तरफ प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय और वीडी शर्मा का नाम भी लिस्ट में बताया गया। लेकिन नाम आया डॉक्टर मोहन यादव का, जो सबसे चौंकाने वाला था। ऐसे में उन्हें राजनीति के इन सभी मंझे हुए खिलाड़ियों का साथ बेहद जरूरी होगा। हमारे मोहन यादव जी नेता चुने गए, उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लगातार मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने का संकल्प लिया है। भारतीय जनता पार्टी ने उस दिशा में उस संकल्प को पूरा करने के लिए मोहन यादव जी से लेकर के पूरी भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्धित है और माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय अमित शाह जी का, माननीय नड्डा जी का, माननीय शिवराज जी का, नरेंद्र सिंह जी का, कैलाश जी का, प्रहलाद जी का, सभी लोगों का बहुत बहुत हृदय से हमारे वरिष्ठ नेतृत्व का आभार। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, गृहमंत्री माननीय जेपी नड्डा जी, माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर जी, ये सारे वरिष्ठों का आशीर्वाद है। और माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से विकास का काम छूटा है, माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और आगे बढ़ाएं। दरअसल मोहन यादव को एमपी में चेहरा बनाने के पीछे एक कारण 2024 का चुनाव भी कहा जा रहा है, जिसमें बीजेपी मध्य प्रदेश के साथ ही यूपी और बिहार के यादव वोट बैंक को अपने खाते में लाने की चाहत रखती है। यानी यूपी में अखिलेश यादव और बिहार में लालू यादव के सामने मोहन यादव का चेहरा खड़ा करने की तैयारी है। जाहिर है इस लिहाज से भी बीजेपी की मोहन यादव से कई उम्मीदें रहने वाली हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो अच्छे काम किए थे, उन्हीं कामों को माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आगे बढ़ाएंगे, डबल इंजन की सरकार चली। डॉक्टर मोहन यादव के सामने एक बड़ी चुनौती अपनी अलग पहचान बनाने की भी है, क्योंकि उनके पहले बतौर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने कार्यकाल में कई लोक कल्याणकारी योजनाएं शुरू की, मसलन लाडली बहना और लाडली लक्ष्मी योजना। इसी के चलते शिवराज सिंह चौहान पांव पांव वाले भैया से प्रदेश के मामा तक कहलाने लगे। जाहिर है अब डॉक्टर मोहन यादव को शिवराज से भी बड़ी लकीर खींचनी होगी। बड़े वैसे तो हमने काफी निर्णय आज किए हैं इस कैबिनेट की बैठक में, जिसके माध्यम से दूरगामी दृष्टि से स्टेट के लिए वो बड़े सबके लिए हित में भी रहेंगे, कुछ उल्लास के और अच्छे भी निर्णय हुए हैं। जैसे फूड सेफ्टी नियम लागू होने के बाद खुले में मांस या अंडे की दुकान चलाना, ये सरकार, भारत सरकार ने भी इसमें दिशा निर्देश जारी किए हुए हैं। इस चीज को कड़ाई से लागू करने के लिए हमने कैबिनेट में इसके संबंध में तैयारी करने के लिए कहा है। कुल मिलाकर व्यक्ति विशेष मध्य प्रदेश की कमान संभाल चुके डॉक्टर मोहन यादव को अब कई चुनौतियों से पार पाना होगा। हालांकि जिस अंदाज में उन्होंने शपथ लेते ही काम में तेजी और तेवर दिखाए हैं, वो बताने के लिए काफी है कि आने वाले वक्त में उनके काम का स्टाइल क्या रहने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में इतना ही, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। मैं डॉक्टर मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं डॉक्टर मोहन